Okay, so we are going Kathmandu. Hi. Bye bye. सही टाइमिंग थी इन सब की भाई, मैं जैसे ही जा रहा था Kathmandu वैसे ही ये लोग आए. I love you, Jonisha. Bye bye. Bye bye. मॉर्निंग एवरीवन, सो आई एम इन Kathmandu. जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये मतलब इसका व्यू भी ऐसा है कि मतलब देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये Kathmandu है. और बाकी जब मैं अपने दादी के घर पे था, मैंने आप लोग को बताया नहीं कि मैं Kathmandu जा रहा हूँ करके, डायरेक्टली मतलब मैंने बनाना चालू कर दिया था कि आई एम गोइंग Kathmandu करके, बिकॉज इतने सारे लोग आ रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, तो मेरे को अपना टाइम उनको देना पड़ा. बाकी आज का प्लान कुछ हमारा ऐसा है कि आज हम जाएंगे घूमने के लिए Kathmandu आने के लिए. कल जो हमने 11 घंटे टोटल 11 घंटे जो ट्रैवल किया है, उससे पूरी हम सब की बॉडी इतनी खतरनाक थक चुकी है. तभी भी मेरे को आज घूमने के लिए जाना है, बिकॉज मैं Kathmandu में मुश्किल से 2-3 दिन ही हूँ. हमारी दीदी का फेवरेट है पुकू. दीदी बहुत पसंद करती है, बिकॉज पुकू है बहुत ही गंदा पत्ता है. नाक में बैठा है भाई इसका पाल. नाक का बाल जला. प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा भाई. दीदी ने खा के दिया है थोड़ा सा. धन्यवाद फूफू. वेलकम फूफू. अब इसको देखना, उल्लू बनाऊंगा मैं. 3-2-1. थ्री टू वन गो. अब उठ के खाएगा. वेरी गुड. सो प्रिटी यू आर लुकिंग. आई एम जस्ट किडिंग. आज मेरी दीदी ने बहुत ट्राई की, बिकॉज हम कल कपड़े खरीदने गए थे और हमने खरीद लिया मेगा और मैंने. अच्छा, इसने जूता लिया और वो भी पता है कौन सा, रियल नाइकी ओरिजिनल. हम यहाँ पर फेक पहनते हैं और ये जो है मतलब कम लेगी, बट लेगी ब्रांडेड चीजें. वेरी नाइस. कितना ठंडी हवा भाई. बस अब व्यू देख के समझ गए कि कितना प्रीटी है. हाउ इज द एक्सपीरियंस दीदी? अरे मजा, अभी तो पहुंचे एक्सपीरियंस. हां भाई, मैं पहले पूछ रहा हूं, बिकॉज़ ऑब्वियसली कि मजा ही आने वाला है इधर. तो अभी जो ये जगह है, इसका नाम है चंद्रगिरी और यहां से पूरा Kathmandu दिखता है. Kathmandu से भी ज्यादा ही दिखता होगा. वो जो जगह है वो मेरे को नहीं पता क्या है. सो ये जो यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई, मे बी मार्केटिंग या फिर मे बी प्रॉफिट ही होगा, मे बी क्या. यहाँ पर जो हमें नॉर्मल दुकान में हमें मिलता है कितना, 100 का मिल जाता है, यहाँ पर 300 का मिला है भाई. और ड्यू कितने? 90 ड्यू ये वाला भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया. ओके, सो अभी हम जाने वाले हैं केबल कार में. इसमें जाने वाले हम. डर लगता है पर मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत गाइस. अरे वाह, इसी बात में एक लाफा. आई डोंट नो व्हाई ये दोनों डर क्यों रहे इतना. मेगा तो डर रही नहीं. हाँ, हम कोई भी नहीं डर रहे, बिकॉज हमें आदत है शायद, बट इन लोग को आदत नहीं है. डर के आगे जीत खाई. अब कहाँ है डर के आगे जीत, अभी निकालो प्लीज. कुछ भी ऐसा डरने वाली चीज तो है नहीं इसमें जो तुम डर रहे हो इतना. भगवान भगवान, सच में ओ शेट मेरी दीदी. शेट, हमें लगा सिर्फ यहीं पर हम उतर जाएंगे, बट अभी तो और पीछे. पूरे डर चुके हैं दीदी. वो दैट्स वेरी नाइस. हाँ वही, अगर हम इसमें से गिरे भी तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक पैराशूट है जो गिरते हुए एकदम से खुल जाएगा. सो दीदी खुश हो गई ये सुन के. आए तेरी. This is the actual place of Chandragiri. Now, Didi, tell me the experience. एक ढक्कन ड्यू भी नहीं पिया इसने, बताओ. पिया ही, मैं सोचा अरे ऊपर जाते बहुत टाइम होगा, ड्यू पीऊंगी मजे से बैठते एंजॉय करके आऊंगी. ड्यू की बोतल एक ही बार खुली गई, वो भी तब खोला मैंने जब इन लोगों ने बोला कि उसमें वो ऊपर जाना है. पैराशूट है. अच्छा, शुक्र हमारी वर्षा दीदी ने हमें बोला कि मतलब ऊपर ठंड रहेगा तो जैकेट वैकेट ले लेना, हुडी वुडी ले लेना. अगर ये नहीं होती और हम फर्स्ट टाइम आते तो पर यहाँ पर इतनी जोर की ठंड होने लग गई है भाई. ठंड है यहाँ पे पर मेरे को ठंड नहीं लग रही, क्यों बताओ? क्यों? मैं हॉट हूँ. अरे वाह, मेरी दीदी हॉटी है, आके इधर पॉटी है.
इधर नो आई एम टॉकिंग अबाउट हर दीदी भी जाएगी हमारे साथ है ना। अरे नहीं चलना। सो अभी हम करने जा रहे हैं ये चंद्रगिरी हिल्स जिपलाइन जो यहाँ से लेके स्वी वहाँ पर जाता है 2551 मीटर्स ओनली। जिपलाइन करने से पहले हमें टिकट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, फ्री तो होगा नहीं इधर। जितने भी लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा ना उनका नाक देखना जलेबी जैसा लाल हो रखा है। पहले मेगा जाएगी फिर देन मैं जाऊंगा। ओके नहीं नहीं पहले मेगा फिर देन मैं। नो 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 लड़का जरूरी नहीं पहले जाए, लड़कियां भी स्ट्रांग होती है। नो 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 बिग सल्यूट टू मेगा, उसने बोला कि मैं पहले जाऊंगी क्योंकि हम तीनों इतना डर रहे थे। हमारी दीदी भी बोल रही थी जाने को बट रेडी लिटरली यार मजा आ गया लाइफ में। पहली बार मैंने ऐसा किया है एक्सपीरियंस, मतलब वही बोलते हैं ना कि जो चीज़ आपने नहीं किया वो एक्सपीरियंस करना चाहिए बिकॉज उसके बाद जो मजा आता है, उससे पहले थोड़ा डर लगता है बट उसके बाद जो मजा आता है ना लिटरली। अभी देखते हैं कौन आने वाला है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मस्त ना, हंसू आ गया। How was the experience? Oh my God, I was so scared. आज तेरी। सोचो अगर जो हमने ये zip line किया है ये यहाँ से लेके यहीं तक खत्म हो गया और जो हम यहाँ पर आने के लिए जो हमने वो ट्रेन पे बैठे थे वहाँ से लेके नीचे तक वही। Superb, मतलब मजा आ गया। You have to try this, दीदी प्लीज। बस क्या है कि हमारे जो कमर में बांधा तेरे पैरों पे बांधा जाएगा। और जो ये जिपलाइन की जो टिकट थी वो पर पर्सन 400 था एंड बहुत ही ज़्यादा हो गया वो, मतलब मेरे को लगा था कि नेक्स्ट मैक्स 200 होगा बट 400 था तो हमने बोला चल ले लेते एक्सपीरियंस कर लेते। बट एक्सपीरियंस किया भाई, मतलब वर्थ इट। 400 जो गए ना वर्थ इट था पूरा। पर यहाँ पर मंदिर भी है जो कि कितना प्रिटी है। ओके सो वी आर डन। मैं बहुत अच्छे से घूमा एंड बहुत ही मजा आया। मेरा कॉपी कर रही, कैसे करता हूँ मैं एक और बार। बहुत ही मजा आया भाई यहाँ के घूम के, मतलब लाइक अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना तो आओ चंद्रगिरी, मतलब लाइक बेस्ट प्लेस अभी तक जो मैं नेपाल की जगह पे घूमा हूँ ना, मतलब काठमांडू की साइड में मैं ये पहली जगह घूमा हूँ जो बहुत ही सही है, मतलब लिटरली मुझसे पूछो बहुत ही सही। अब बारी है नीचे जाने की। सो दीदी आर यू एक्साइटेड टू गो डाउन? हाँ बोलने वाली थी। कैसा लगा? बहुत ही सही, बहुत ही मजा आया। ओके सो हम आ चुके हैं नीचे एंड बात करते करते पता भी नहीं चला हम कितनी जल्दी आ भी गए नीचे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम चढ़ रहे थे तो मतलब बहुत टाइम लग रहा था, मतलब अभी तक आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं।